जशपुर जिले के पत्थल गांव में शहर के बीच स्थित इंदिरा चौक के समीप गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स में सोमवार को दरमियान रात चोरों ने सेंधमारी कर एक व्यवसायी के दुकान से तकरीबन 6,50,000 रुपए की नकदी रकम की चोरी कर ली। व्यवसायी की सूचना पर पत्थल गांव पुलिस मामला दर्ज कर लिया गया। डॉग स्क्वाड की सहायता से चोरों की तलाश की जा रही है। और दरअसल इसी महीने की तारीख 11 को सीएम भूपेश बघेल का पत्थल गांव दौरा होना बताया जा रहा है, लेकिन सीएम के दौरे से ठीक पहले शहर में हुई बड़ी चोरी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। साथ ही चोरी की इस घटना ने पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। आपको बता दें, पत्थल गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के मुख्य चौराहों से सटे गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स पर देर रात चोरों ने दुकान के पीछे सेंधमारी करते हुए दुकान में रखे नकदी रकम 6,50,000 रुपए की चोरी कर ली। मामले की जानकारी व्यवसायी को तब हुई जब वह सुबह दुकान पहुंचा, जिसके बाद व्यवसायी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पत्थल गांव पुलिस ने मामले में जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कही है, लेकिन शहर के बीच इस चोरी की बात कहीं ना कहीं शहर के व्यवसायी और आम नागरिकों को खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुबह मैं शॉप खोलने आया था तो मैं देखा, मुझे बस का फ्राइड देना था तो उसके लिए मैं गल्ला खोला तो जैसे ही देखा कि पूरे गल्ले से पैसे गायब है मेरे। पीछे जाके देखा तो पीछे से दीवार में छेद किया हुआ था, वहाँ से चोर लोग आए हैं। और जिस हिसाब से लग रहा है मुझे तो बहुत ही सातिर आदमी है जो भी चोर लोग हैं, और बहुत ज़्यादा जानकार आदमी है जो सीधे दायां बायां कोई भी सामान को ना छेड़ के सीधा गल्ले की चाबी लिया है और गल्ले से पैसा निकाल के अपना 9-2-11 हो गया। वो कितने की चोरी हुई है? ये 6.5 लाख रुपए लगभग, और टोटल कैश पेमेंट लेके गया है वो। क्या लगता है कि पुलिस की बड़ी लापरवाही यहाँ पर दिख रही है? क्या कहता है? डेफिनेटली लापरवाही है। बीच चौक में हृदय स्थल पे बैठे हुए हैं हम लोग, और इस टाइप का होना ये एक संदेहप्रद है। दृष्टिया ये सूचना आज 11:30-12 बजे के आसपास दुकान मालिक से आई थी कि उनकी दुकान में विशेष सेंधमारी करके चोरी की घटना हुई है। इस पर तत्काल पुलिस बल मौके पर रवाना होकर डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट स्क्वाड सभी को बुलाकर तफ्तीश की जा रही है। और जिस प्रकार से दुकानदार के कहने का है कि उसके पास नकद थे और उसके पूर्व के राशियों को भी देख के मिलान करके उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह ही पता चला है कि पत्थल गांव के हृदय स्थल इंदिरा चौक में ये जो गोयल इलेक्ट्रॉनिक मौजूद है, इसमें रात को सेंधमारी हुई है और लगभग यहां से 6 लाख रुपए की नकद चोरी हुई है। और ये पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब इल्ज़ाम लगाया जाना चाहिए, क्योंकि हृदय स्थल है पत्थल गांव का और यहां पे चोरी होना ये पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाता है। और पुलिस के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती भी है कि 4 दिन के बाद सीएम के पत्थल गांव आने का दौरा बन रहा है और उसके पहले ये जो चोरी हुई है ये पुलिस की निष्क्रियता को दर्शाती है। और जल्द से जल्द पुलिस इसमें मतलब चोरों को पकड़े और जो यहाँ के दुकानदार हैं उनका जो भी राशि यहाँ से चोरी हुआ है उनको जल्द से जल्द दिलवाई जाए और पुलिस जो है अपनी कार्यशैली दुरुस्त करे, नहीं तो जो यहाँ स्थानीय अधिकारी हैं इनका तत्काल तबादला हो, यही मैं मांग करता हूँ।